हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 4:30 और हम लोगों का आज ट्रिप है, वो भी आउट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर का, बिना वीजा वाले वैसे जिसमें हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे जाने मतलब वहाँ वीजा नहीं लगता, सॉरी ना ही वीजा लगता है ना ही पासपोर्ट लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जा सकते हैं। ये निशांत भाई है, अभी थोड़ा फ्रेश होकर निकले हैं, अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम लोग फ्रेश होते हैं और तैयार होते हैं, चलते हैं। जाने में लगभग 300 किलोमीटर हम लोगों को जाना है, जाने में लगभग 4 से 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। जितनी सुबह निकलेंगे, जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। देखिए हम ये रूम का इंटीरियर है जहाँ हम लोग स्टे किए थे रात में। ये सुमन भाई हैं, यार है ना नेपाल, रेडी। देखिए नेपाल जाने के लिए भी रेडी है। तो हम लोग नेपाल जा रहे हैं, नेपाल में ना ही पासपोर्ट की जरूरत होती है और ना ही वीजा की जरूरत होती है। तो हम सभी लोग नेपाल जा रहे हैं, पर्वत पर्वतीय देश में दूर करने वहाँ, और अभी 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे। अभी 4:40 हो गया है और 15 से 20 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग रेडी हैं, हम निकलने वाले हैं। सुमन बाबा हैं, वशीकरण कराते हैं। हाँ नहीं, हमको कुटिया में जाने का मन नहीं है। आप लोग जाइए, मंगलवार को हम आ रहे हैं। लगभग हम लोग 150 से 200 किलोमीटर आ गए हैं आगे, अभी 150-200 किलोमीटर और आगे जाना है। साड़ी से ताड़ी पियात रहे। चूंकि पटना से नेपाल जाने में लगभग 5 से 6 घंटा लगता है टाइम, अगर आप कार से जाते हैं तो हम लोग पटना में ही रात में स्टे किए हुए थे और सुबह 5 बजे निकले हैं, और रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ा था तो वहीं पे हम लोग सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे और जा रहे हैं आगे। आगे चल के हम लोग कैश विड्रॉल करेंगे, मतलब ये नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, क्योंकि हम लोग बिहार साइड से पड़ते हैं तो उससे 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले कोई मार्केट में हम लोग कैश विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो वीज़ा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो नेपाल के एटीएम में काम नहीं करेगा। अगर हम लोगों के पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता तो वहाँ पे काम करता, बट हम लोगों के पास डेबिट कार्ड है वो भी इंटरनेशनल नहीं है। तो हम लोग अभी आगे जाएंगे, वहाँ जाके कैश विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को फिर वहाँ पे कैश की कमी ना हो। और वहाँ पे जैसे हम लोग वाल्मीकि नगर पहुँचेंगे, तो वाल्मीकि नगर पहुँचने के बाद सभी लोग, यहाँ मेरी टीम है पूरी, और यहाँ से चलेंगे हम लोग
देखते हैं आगे बाघा बॉर्डर पे मिलते हैं, देख लें कहाँ तक लगा होगा। लगभग एक घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे वाल्मीकि नगर जाएंगे हम लोग, और वहाँ से फिर नेपाल में इंटर होंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम आप लोग को रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हुए पेश करेंगे, आप लोग भी मजा लीजिएगा। 10 मिनट में वो जा रहा है, 10 मिनट में जा रहा है वो। कहाँ लगेगा ये है हम लोग वाल्मीकि नगर नेपाल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। यह है सर, इधर कहाँ जा रहे हैं? नेपाल परियोजना जो कि गंडक नदी पे बना है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो सिंचाई के लिए बनाई गई थी। आप देख सकते हैं हम लोग इधर वीडियो, ये गंडक नदी है, इसी पे त्रिवेणी नहर परियोजना बना है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर, और ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ हम लोग आगे जाए, ये भारत और नेपाल बॉर्डर है, और आगे देख रहे हैं वो नेपाल कंट्री है, और जिधर से हम लोग जा रहे हैं वो इंडिया की कंट्री है, क्योंकि बिलोंग ये बिहार का बॉर्डर है और भारत देश की बॉर्डर है। अब जैसे ही हम लोग नेपाल में इंटर करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर पे हम लोगों को भंसार बनवाना पड़ेगा। जितने दिन आपको स्टे करना है तो आपको अपने व्हीकल का भंसार बनवाना होता है। ये गंडक नदी है और इसी पर यह परियोजना बना था, जो कि लगभग त्रिवेणी नहर परियोजना से 100 किलोमीटर तक सिंचाई होता है बिहार में उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर मिला के, नेपाल देश में मिला के लगभग 100 किलोमीटर तक सिर्फ त्रिवेणी नहर से ये सिंचाई किया जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। त्रिवेणी नहर परियोजना गंडक नदी नेपाल उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। हम लोग नेपाल देश में एंटर कर चुके हैं और त्रिवेणी बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं, और यहाँ रुक के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। लगभग 300-400 किलोमीटर आ गए हम लोग बैठे हुए, सुबह 4:30 बजे ही चले हुए हैं। बाहर का कैसा इंटीरियर है थोड़ा हम लोग दिखाते हैं व्यू, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये पीछे में जो देख रहे हैं ये टेंपल है नेपाल का, और इधर मेरे दोस्त लोग हैं पीछे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए त्रिवेणी नहर है, ये त्रिवेणी नहर, पीछे में पूरा माउंटेन है। हम लोग त्रिवेणी नगर से अब भैरहवा जा रहे हैं, भैरहवा जो कि एक नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे कैसीनो घूमेंगे और वाटर पार्क घूमेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो अभी 4:30 हो रहा है, और जैसे ही आप त्रिवेणी नगर बॉर्डर से नेपाल में इंटर होंगे वैसे वैसे आपका सिम काम करना बिल्कुल भी बंद कर देगा। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास एयरटेल का सिम हो, BSNL, जियो, VI, मतलब कोई भी आपके पास अगर जो भी सिम होगा उसका बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं करेगा, बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे अपने इंडिया में चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, उसी तरह सेम नेपाल कंट्री में भी चावल की खेती होती है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि बहुत तरह की वैरायटी चावल उत्पादन किए जाते हैं, लेकिन नेपाल में हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ जो पतले वाले चावल होते हैं जैसे बासमती हो गया, सोनम हो गया, ये सब बोए जाते हैं। और नेपाल कंट्री की जो मदर टंग है यानी मातृभाषा है वो हूबहू हिंदी से एकदम मिलती जुलती भाषा है,
मतलब थोड़े बहुत ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोगों की तरफ हिंदी यूज़ किया जाता है मातृभाषा के रूप में, उसी तरह से नेपाल में भी हिंदी की जगह पे कोई भाषा है हूबहू हिंदी की तरह ही। त्रिवेणी नहर से हम लोग लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर आए हैं। त्रिवेणी नहर जो और ये नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ से एक रास्ता नेपाल को आता है और एक रास्ता बिहार को जाता है, तो वहाँ उस बॉर्डर पे लगभग हम लोग 3 बजे के आसपास पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से 70-80 किलोमीटर आने के बाद एक जगह पड़ा जिसका नाम है भैरवा, काफ़ी फेमस प्लेस है नेपाल में। और आँख भी ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए कुछ कुछ मेरे दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा एक आई हॉस्पिटल है जिसमें कि बहुत सस्ते सुविधा में लोग यहाँ पे आँख बनवाने आते हैं। और ये सिर्फ मतलब नेपाल से नहीं, ये बल्कि यूपी से, अपने बिहार से, है ना, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिसको सस्ते में और बहुत अच्छी सर्विस है। ये एक्चुअली क्या है, चैरिटेबल है और ट्रस्ट के थ्रू होता है, इसलिए इसमें बहुत कम पैसा लगता है। ये समझिए कि ना के बराबर, सिर्फ आपका लेंस के खर्च होंगे जो आने जाने का खर्च होगा, बाकी के सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सुन लिया आप लोग, ये कहने का मतलब ये है कि भैरवा में कोई ऐसा मतलब हॉस्पिटल है जहाँ पे आँखों का इलाज होता है और काफ़ी फेमस वो प्लेस है, जो आई थिंक इंडिया से तो काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनका मतलब इलाज कहीं नहीं हो पाता है, तो उनका इलाज यहाँ पे हो जाता है और बहुत कम पैसों में होता है। और तो भैरवा में एक होटल है, वहीं हम लोग ठहरे हुए हैं। उस होटल का नाम है एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट पीवीटी एलटीडी, होटल एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट पीवीटी एलटीडी। और यहाँ पे और सारे भी होटल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होटल है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एंड बार है, उसके बाद से यहाँ पे आपका मौर्य होटल है, उसके बाद से यहाँ पे क्वीन ये क्वीन बार प्लस आपको कैसीनो है, वहाँ भी आप लोग जाकर के कैसीनो भी, जो भी कैसीनो के शौक रखते होंगे वो कैसीनो भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक बार भी है, आप लोग वो भी प्रिफेयर कर सकते हैं। चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं लेकिन हम लोगों को उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग आउट ऑफ कंट्री आए हैं, किसी दूसरे मुल्क में, मतलब किसी दूसरे देश में पहली बार घूमने के लिए। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ नेपाल में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिवेणी है और दूसरा एक कोई महल करके है ना, इस महल की यहाँ पे एक बहुत टेंपल भी है, उसको वो भी आपके जो ये भैरवा है, भैरवा से मात्र 200 किलोमीटर अगर राइट आप होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक वॉर टेम्पल है, आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का जो भी पैसा हुआ है आपके पास, जो हम लोगों के पास इनर चलता है, रेट चलता है, रुपए चलते हैं, अगर वो पैसा आप नेपाल में लेके आते हैं तो सीधे 1.5 गुना हो जाता है। अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो यहाँ 1,600 रुपये उसकी वैल्यू है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब रेंट जो रूम लेते हैं आप या फिर खाना खाते हैं या फिर मतलब ट्रेवल करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली नहीं होता है, मोटा मोटी बहुत कम पैसों में आपका हो जाएगा। तो ये देखिए जो रूम है इसका कॉस्ट पड़ा है हम लोगों को ये कॉस्ट पड़ा है 1,300 रुपये, मतलब इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये रूम जो है 3 सीटर है, इसमें 3 बेड दिया हुआ है जिसमें कि 3 लोग सो सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सिंगल बेड है ना और 2 डबल बेड का है बेड, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत चीप एंड बेस्ट रेट पे मिल जाएगा। और आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग तो बाई कार आए इसलिए हम लोग का रूट थोड़ा अलग था, लेकिन जो लोग जैसे यहाँ आपके शिवान, छपरा ये सब नियर अबाउट होंगे वो लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन से क्या है, सिवान से एक ट्रेन चलती है या छपरा से एक ट्रेन चलती है जो कि आपके आप लोग यहाँ से नौतनवा आ सकते हैं। नौतनवा से आप लोगों को बस मिल जाएगी या टेम्पो मिल जाएगी, वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे आप लोग शनाली बॉर्डर पे आ जाएंगे
और सोनाली बॉर्डर क्रॉस कर, जैसे ही आप लोग क्रॉस कीजिएगा वहां से आप लोग को ऑटो और टेम्पो मिल जाएगी, जिससे कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है सोनाली बॉर्डर से भैरहवा का। बहुत मतलब आप लोग जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे सोचते हैं कि हमें मतलब इंडिया से बाहर जाना है, लेकिन वो लोग जा नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्लेसेस बहुत अच्छा है। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पशुपतिनाथ टेम्पल है जो कि काठमांडू में है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, और मतलब ये है कि हम लोग कम पैसे में अगर 5,000 रुपया हो तो उसमें पर पर्सन हम लोग खर्चा कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। और जैसे देखिए, इस रूम का जो कॉस्ट है वो 1300 रुपये है इंडियन करेंसी में, तो 1300 रुपये में इसमें हम लोग वन नाइट स्टे कर सकते हैं। और हम लोग 4 लोग इसमें इस एक रूम में रुके हुए हैं, तो 1300 में समझ लीजिए कितना कितना पड़ा है। इसमें AC है, इंटीरियर देखिए कितना खूबसूरत है इसका, बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, सब कुछ है, A1 ग्रेड का रूम है, सब एकदम बहुत बढ़िया रूम है। 1300 रुपये में अगर आप सोचिए तो 3×4=12,000 हुआ, और उसके बाद 325 रुपये 325 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग। और इतने में आप रात भर स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जो खाना हम लोगों ने खाया वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, सब मिला जुला के हम लोगों से इंडिया से काफ़ी सस्ता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ। उसका जो हम लोग खाना खाए, हम लोग एक्चुअली क्या था कि तावा रोटी लिए थे, और उसके साथ में हम लोगों ने एक मिक्स वेज लिया था और एक हम लोगों ने वो दाल फ्राई लिया था। ये टोटल हम लोग का कॉस्टिंग था, और उसमें हम लोग 5 लोग खाए थे, जिसका टोटल कॉस्टिंग लगभग 1200 के अप्रोक्स आया था। ठीक है, और वही 1200 ऐसे नेपाली करेंसी, यानी कि अगर इंडियन कॉस्ट होगा तो 800 के अप्रोक्स जाएगा। मतलब बहुत चीप एंड बेस्ट है ना, अगर हम लोग यहाँ पे स्टे करते हैं तो 800 रुपये में अगर आप 5 लोगों को डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना होता है, 800 रुपये में 5 लोगों को डिवाइड करते हैं, 150 रुपये के अप्रोक्स आएगा। 150 रुपये के आसपास हम लोग एकदम मतलब एकदम स्वादिष्ट खाना, A1 ग्रेड का खाना, और 150 रुपये में हम लोगों ने पेट भर खाया, मतलब चार चार रोटी लगभग हम लोगों ने खा लिया था, 20 रोटी दी थी उसमें, मस्त एकदम मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी थी, और विद पनीर, और ये दाल फ्राई भी थी, और सलाद अलग से थे, और मतलब सब टोटल ओवरऑल मिला के बॉटल का पानी वाटर लेके सब कुछ लेके हम लोगों का कॉस्ट जो आया था वो 800 रुपये के इंडियन करेंसी के अप्रोक्स आया हुआ था। तो 150 रुपये में यार आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने अच्छे मतलब चीप एंड बेस्ट। हाँ, चीप एंड बेस्ट था, ओवरऑल सर्विस बहुत बढ़िया था यहाँ का। और यहाँ से हम लोग सुबह जब निकलेंगे तो हम लोग जाएंगे त्रिवेणी जाएंगे, और वहाँ से हम लोग बहुत सारे वहाँ पे टेंपल है, बहुत सारे त्रिवेणी जाएंगे, और अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, और वहाँ हिल स्टेशन भी है, वहाँ भी घूमेंगे हम लोग, देखेंगे और उसका कैसा व्यू है वो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में या कहीं अदर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर यू नो हिंदी, सो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा देखना। आप नेपाल के जो भी हम लोग प्लेसेस को टच करेंगे उसका व्यू हम लोगों को आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये कि जब भी आप नेपाल हैं आप कैश पैसे लेके आएं अपने साथ, यहाँ पे ना ही कोई UPI चलता है, ना ही आप ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ना ही आप अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कैश चाहिए। हाँ, कैश ऐसा नहीं है, जैसे ही आप बॉर्डर पे आएंगे तो कैश वहाँ आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडियन करेंसी मिला के यहाँ आप दे सकते हैं, उसका जो वैल्यू है उस हिसाब से आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ अगर 160 रुपये आपका होता है नेपाली
नेपाल नेपाल का पैसा अगर आपको 160 रुपये पे करना है, देन आप इंडियन करेंसी 100 दे के आप पे कर सकते हैं। मतलब आई थिंक नेपाल की जो करेंसी है इंडिया की 1.6 है, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपया इंडिया का है तो यहाँ पे 160 रुपया उसको उसकी वैल्यू है आज के टाइम में। हाँ, कैश आपको फिजिकल लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप UPI कर सकते हैं, अकाउंट में दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं इंडियन लोगों को, और बहुत ज़्यादा कुछ खास तो अलग नहीं है नेपाल। जस्ट लाइक दिस इज ए 70% पार्ट ऑफ इंडिया। अगर मतलब आप हम लोगों की निगाह से देखें तो आपको ज़रा सा भी फील नहीं आएगा कि मतलब आप किसी दूसरे कंट्री में आए हुए हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे वैसे चीज़ हैं जो हम लोगों के देश में चलता है, जैसे जस्ट लाइक बाइक हो गई और बहुत सारे कार्स हो गए, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से हूबहू आपको देखने को मिलेंगी। कोई मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में मतलब 30% या 20% वैसी चीज़ें हैं जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब मिलेंगी लेकिन उसका कुछ रूप दूसरा होगा, यहाँ पे कुछ रूप उसका दूसरा है।